गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एट योर होम। इन टुडेज मैथ्स क्लास वी लर्न एक्सरसाइज टू सी माइंड जिम। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। फॉर बिफोर स्टार्टिंग डिवीजन, बिफोर स्टार्टिंग डिवीजन वी हैव टू see some facts about division. Division. We have learned how to divide 4-digit number by 1 or 2-digit number by long division in previous class. हमने 4-digit number को by 1 or 2-digit number कैसे divide किया जाता है ये हमने class 3rd में पढ़ा है, तो हम उसे एक बार और recall कर लेंगे। डिवाइड 5238 बाय 6। अब हम 6 के टेबल में देखेंगे 50। अब 6 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो इसलिए हम 2 डिजिट कैरी करेंगे। 6 के टेबल में 52 आता है या 52 या 52 से कोई छोटा नंबर। 58 के टेबल में, 6 के टेबल में 52 से छोटा नंबर आता है 48, वो भी 8 टाइम्स। तो हमने 48 लिख दिया, 52 में से 48 माइनस किया, आ गया 4। अब 4 आ गया, अब हम 3 को नीचे उतारेंगे। 43, 6 7 सा 42, 43 में 42 गए 1। अब 8 बचा है, 8 को नीचे उतारेंगे, 6 3 सा 18। इस प्रकार से हम ने ये जो डिवीजन परफॉर्म किया इसमें क्वेश्चन आया 873 और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब 5238 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 6 से। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 45245 डिवाइडेड बाय 125। अब 125 के टेबल में 452 आता है या फिर 452 से कोई छोटा नंबर, 452 से छोटा नंबर आता है 3 टाइम्स, जो कि है 357। अब 452 में से 357 को माइनस किया, आ गया 77। अब हम 77 के बाद हमने निकाला 4 को नीचे। अब 25 के टेबल में 6 टाइम्स आता है 750। अब 774 में से 750 माइनस किया, आ गया 24। अब 5 बचा था, 5 को नीचे उतारा। 25 के टेबल में 1 टाइम आता है 125। अब 245 में से 125 माइनस के 120। इसका मतलब क्या हुआ, 45245 जो हमारा आंसर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है वह 125 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन बाय 1, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 इट रिमेन्स द सेम। अगर हमने किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो हमें सेम नंबर ही मिलता है। जैसे कि 17386 को डिवाइड किया 1 से तो हमें क्या मिला, 17386। देन प्रॉपर्टी 2, डिवीजन बाय नंबर इट्सेल्फ। अगर हमने किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलता है 1, विच मीन्स 5968 डिवाइडेड बाई 5968 इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट, वी हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 2C माइंड जिम। ओके, 4593 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 क्या है, डिवीजर, और 4593 क्या है, डिविडेंड। अब हमने लिख लिया 7 का टेबल यहाँ पे। ओके, अब 7 के टेबल में 45 आता है, 45 या 45 से छोटा कोई नंबर जो 45 के एकदम करीब हो तो ये है 42। तो 7 सिक्सा हो गया 42। अब 45 में से 42 माइनस किए हो जाएगा 3। अब हम सबसे पहले उतारेंगे 9 को नीचे। अब 7 के टेबल में 39 से छोटा नंबर है 35। है तो बहुत सारे छोटे नंबर, पर 39 से छोटा, पर 39 के एकदम करीब का, तो कौन सा नंबर है,
35, 7 5 35। अब हम माइनस करेंगे, 39 में से 35 माइनस किए हो गया 4। अब हमारे पास बचा 3। अब हमने 3 को नीचे उतारा। अब 7 के टेबल में 43 आता है, नहीं आता है, 43 से कोई छोटा नंबर आता है, 42। तो हमने 6 टाइम्स लिखा 42। अब 43 में से 42 माइनस किए हो गया 1, विच मीन्स हमारा क्वोशंट क्या आया, और ये दिस इज अ रिमाइंडर, क्वोशंट इज 656 एंड द रिमाइंडर इज 1। अंडरस्टूड? देन क्वेश्चन नंबर बी, 6494 डिवाइडेड बाय 6, 6 हो गया डिविजर एंड 6494 हो गया डिविडेंड। अब हमने 6 का टेबल यहाँ पे लिख लिया है। 6 के टेबल में 64 आता है, नहीं आता है, 64 से कोई छोटा नंबर, ऐसा नंबर जो 64 के पास का हो, 64 में से 60 माइनस किए आ गया 4। अब हम उतारेंगे 9 को नीचे। 6 के टेबल में 49 आता है, नहीं आता है, 49 से छोटा नंबर जो 49 के पास का हो, 48, 6 8 48। अब 49 में से 48 माइनस किए हो गया 1। अब हमने उतारा 4 को नीचे, 6 2 12। अब 14 तो आता नहीं 6 के टेबल में, इसीलिए हमने 14 के पास का नंबर लिया 12, तो यहाँ पे हो गया 2। ओके, तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया, 1028 एंड द रिमाइंडर इज 2। तो क्वोशंट हम यहाँ पे लिखेंगे 1082 एंड द रिमाइंडर इज 2। ओके, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सी, 9216 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने 3 का टेबल लिख लिया। अब 3 3 9, 9 में से 9 माइनस के 0। अब हम 2 नीचे उतारेंगे। अब 2 जो है 3 से छोटा है, तो हमें एक नंबर की और जरूरत है, तो हमने लिख दिया यहाँ 0, और अब हम उतारेंगे 1 को नीचे। ओके, तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। एंड अब आ बारी है 6 की, अब हम उतारेंगे 6 को नीचे। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 3072 एंड द रिमाइंडर इज 0, विच मीन्स हमारा जो नंबर है 9216 डिविडेंड, वह डिविजर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। यह हमें कैसे पता चला, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि डिविडेंड डिविजर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अंडरस्टूड? देन 3025 डिवाइडेड बाय 15। अब हमने यहाँ पे 15 का टेबल लिख लिया। ओके, अब 15 के टेबल में 3 पहला नंबर लेंगे क्या, 3, पर 3 तो बहुत छोटा हो जाएगा 15 से, इसलिए हमने 2 नंबर को कंसीडर किया। 15 2 30, 2 नीचे। ओके, अब 2 नीचे उतारा। अब 15 के टेबल में 2 तो नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ 0 लगा के 5 को भी नीचे उतार लिया। ओके, तो 15 के टेबल में
25 आता है, नहीं आता है, और 25 से कोई छोटा नंबर 30 भी नहीं, 15 ही है, फिर हम वन जा लिख देंगे 15। 25 में से 15 माइनस किए आ गया 10। अब इसके ना आगे यह नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 201 एंड द रिमाइंडर इज 10। डिवीजन में जो क्वेश्चन होता है वह आंसर कहलाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे एडिशन का आंसर सम कहलाता है, सब्ट्रैक्शन का आंसर कहलाता है डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का आंसर कहलाता है प्रोडक्ट, वैसे ही डिवीजन का आंसर कहलाता है कोशंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर ई, 1728 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 21। सो 21 इज अ डिवीजर एंड 1728 इज डिविडेंड। अब हमने यहाँ पे 21 की टेबल लिख ली। 21 के टेबल में हम फर्स्ट टू नंबर ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वह छोटे हैं, इसलिए हम थ्री डिजिट के नंबर लेंगे। 21 के टेबल में 172 या 172 से छोटा कोई नंबर जो 172 के बहुत पास हो, तो 172 के पास में 168 है, 8 टाइम्स 21 एट जा 168। अब कितना आएगा माइनस करने पे, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम उतारेंगे 8 को नीचे, 21 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता है, तो 21 टूजा होता है 42। अब 48 में से 42 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 6। अब ये नंबर आगे डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 82 एंड द रिमाइंडर इज 6। अंडरस्टूड। देन क्वेश्चन नंबर एफ, 5836 डिवाइडेड बाय 18। अब 5836 हो गया डिविडेंड एंड 18 हो गया डिवीजर, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया 18 का टेबल। अब 18 के टेबल में 58 या 58 के पास का कोई छोटा नंबर, तो 18 थ्रीजा 54। 58 में से 54 माइनस किए हो गया 4। अब हम उतारेंगे 3 को नीचे। अब 18 के टेबल में 43 आता है क्या, एटीन टू जा 36। अब 43 में से 36 माइनस किए हो गया 7। अब 7 के बाद बचा है 6, अब हमने उतारे 6 नीचे। 76 आता है क्या 18 के टेबल में, नहीं, 18 फोर जा 72। 76 माइनस 72 हो गया 76 माइनस 72 कितना बचा, 76 में से 72 माइनस किए तो 4। अब ये इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 324 एंड द रिमाइंडर इज 4। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 1, 2, 3, 2786 डिवाइडेड बाय 6, 7942 डिवाइडेड बाय 18 एंड 4111 डिवाइडेड बाय 12। ये प्रॉब्लम्स आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, वी विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार जनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।